तो बात सारी ये है कि 2019 इज हियर, इतनी लेट व्लॉग करने से मुझे सवाब मिलेगा? विल द कम्युनिटी एक्सेप्ट मी? लेट्स फाइंड आउट. विल फाइंड दैट आउट लेटर, क्योंकि अभी हमने जाना है पराठे लेने. 2019 में पहला नाश्ता बाहर से. दैट्स हाउ लाइफ इज. I hope you saw what I did there. ये इतनी ज़्यादा filming हमसे नहीं होती भाई. अच्छा वैसे just by the way, क्योंकि I am a very साधारण सा vlogger, I don't film much these days, क्योंकि firm में काम करता हूँ मैं. बाल सही हो रहे हैं मेरे? बहरहाल तो इसकी वजह से most of my vlogs these days are totally आगे द पीछे. कुछ नहीं पता होता क्या कर रहा हूँ मैं. तो आई टेल यू समथिंग के 2019 हैज स्टार्टेड ऑफ एट अ गुड पेस. थिंग्स आर गेटिंग स्मूथ. फर्म लाइफ थोड़ी आसान हो चुकी है. और व्हाट एल्स, फैमिली टाइम अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है. एंड बस आई थिंक यही चाहिए था मुझे. फर्म में इतना ज़्यादा काम था पिछले दिनों कि जिसकी वजह से मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, ये फैमिली टाइम स्पेंड करने को नहीं मिल रहा था. सो आई एम रियली हैप्पी कि अब जो है फर्म थोड़ा ठंडा हो चुकी है. सो आई थिंक यू गाइस कैन एक्सपेक्ट मोर व्लॉग्स नाउ. दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच आई गो आउट. जैसे अभी तो मैं सिर्फ पराठे लेने के लिए बाहर आया हूँ. एंड आई होप यू गाइस आर ऑल्सो हैविंग एन अमेजिंग 2019. इफ यू आर नॉट हैविंग अमेजिंग 2019, then I think आप लोगों के resolutions गलत सेट हुए. Don't set your resolutions unrealistically. कभी भी अपने resolutions को ऐसे ना सेट करें कि हम पहाड़ तोड़ देंगे 2019 में. कुछ नहीं होने वाला ऐसा. Resolutions वो होने चाहिए आपके जो आपको पता हो कि आप अचीव कर सकते हैं. I know कि जो चीज़ हम अचीव कर सकते हैं उसको फिर resolution में डालना ही क्यों, लेकिन डालना ज़रूरी है. क्योंकि अगर हम वो अचीवेबल चीज़ों को भी रेजोल्यूशंस में नहीं डालेंगे जिनको हम सोच रहे होंगे कि ये तो हो ही जाएगा, वो भी नहीं हो पाएगा. सो माई ओनली मैसेज फॉर 2019 इज बी अ बेटर यू. एंड वन मोर थिंग, अपसाइकिल योरसेल्फ. ये अपसाइकिल हमें खुद भी नहीं पता था है क्या. देन आई गॉट टू लर्न फ्रॉम माई खाला. खाला हमारी करती हैं अपसाइकिल, लोगों को नहीं चीज़ों को. लेकिन हमने सोचा कि हम चीज़ों को तो क्या ही अपसाइकिल करें, अब हम अपने आप को अपसाइकिल करेंगे. सो 2019 इज फॉर अपसाइकलिंग योरसेल्फ. एंड वी आर होम. अच्छा वन थिंग आई फॉरगॉट वाज टू फिल्म के पराठे कैसे बन रहे हैं, क्योंकि ये कोई स्पेशल पराठे हैं और घर के पास में ही हैं. लेकिन आई रियली वांटेड टू फिल्म इट, लेकिन पहली दफ़ा था तो इसलिए आई डिडंट. लेकिन दीज लुक्स यम. अभी तो कहाँ नजर आएंगे इसमें, लेकिन नेक्स्ट टाइम. लेकिन कितना बोल रहा हूँ मैं.